5 अगस्त 2019 मेरे लाइफ का वो पहला दिन जब मैं पहली बार मेडिकल कॉलेज में आया था। मेरा सपना पूरा हो गया था यार, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि यार मैं मेडिकल कॉलेज में आ भी सकता हूँ। मैंने नीट के प्रिपरेशन में बहुत मेहनत करा था, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत मेहनत करा था। और मैं हर रोज सोचता था यार कि मुझे मेडिकल कॉलेज जाना है, मुझे मेडिकल कॉलेज जाना है, मुझे कैसे भी सिलेक्शन लेना है, चाहे उसके लिए मैं जो कितना भी मेहनत करना पड़े। रीजन था कुछ उसके लिए, और मैंने बहुत मेहनत करा था, और अनफॉर्चुनेटली सब कुछ साथ रहा और मेरा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। मैं पहली बार जब मेडिकल कॉलेज में आया था ना, मैं सोच रहा था यार कि मैं आ गया यार, मैंने कर लिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था यार कि मैं मेडिकल कॉलेज में आ गया, अब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, सारे 5 साल मुझे इस मेडिकल कॉलेज में बिताने हैं। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, पता है क्यों? क्योंकि यार मैं बचपन से टॉपर नहीं था, मैंने अपने स्कूल लाइफ में क्लास 10 तक ना एक छोटा सा मेडल भी नहीं जीता था, कभी नहीं। मैंने कभी सोचा ही नहीं था यार कि मैं कोई इतना बड़ा इंडिया लेवल का कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इतना बढ़िया सा रैंक ला लूंगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। और मेरा सिलेक्शन हो गया, मेहनत बहुत करा था मैंने, मेहनत बहुत करा था और हो गया। बचपन से ना मैंने कभी सपना नहीं देखा था कि मुझे लाइफ में आगे जाके कभी डॉक्टर बनना है। मेरे पापा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हर एक मिडिल क्लास फैमिली का ना एक सपना होता है कि उसका बेटा बहुत बड़ा कुछ करे, है ना, IAS बने, IPS बने, कलेक्टर बने। और यार मेरे पापा भी वैसा ही कुछ सपना देख रखे थे कि मेरा बेटा लाइफ में आगे जाके ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, और हमेशा हम लोग को बताते थे। खैर मैंने 10th तक यही बोला, आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, आई वॉन्ट टू बिकम एन IPS, हमेशा। लेकिन यार 10th के बाद ना सब्जेक्ट चूज करना होता है, बायोलॉजी लोगे या फिर मैथ या फिर कॉमर्स। तो यार मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन मैथ मुझे नहीं लेना था, तो मैंने बायोलॉजी ले लिया। अब जो चीज़ मैंने ले लिया ना, डिसीजन ले लिया, तो अब डिसीजन पे काम कर रहा है। मैंने जम के मेहनत करा था और मैंने नीट में सिलेक्शन ले लिया। जब पहली बार मेडिकल कॉलेज में आया था, मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा था यार कि मैं मेडिकल कॉलेज में आ गया। सो हाई एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज शशि कुमार एंड करंटली आई एम परसुइंग माय थर्ड ईयर FMS। वैसे तो यार फोर्थ ईयर में मैं आ चुका हूँ, थर्ड ईयर का रिजल्ट नहीं आया इसलिए मैं थर्ड ईयर नहीं बोल रहा हूँ। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें अपने MBBS फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें बताऊंगा। अगर तुम नीट एस्पिरेंट हो या फिर MBBS एस्पिरेंट हो, MBBS मेडिकल कॉलेज में आ चुके हो, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर डिमोटिवेटेड हो, तुम भी रिग्रेट कर रहे हो मेरी तरह, मैं बताऊंगा कैसे, तो तुम्हें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। जब मैं पहली बार मेडिकल कॉलेज में आया था, मेरा पहला दिन था, जब मैं सीनियर से इंटरेक्ट किया, सीनियर ने मेरे से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, मैंने बोला माय नेम इज शशि कुमार। और उस दिन जो मेरे साथ रैगिंग हुआ, आगे इस वीडियो में रैगिंग टर्म नहीं यूज़ करूँगा, इंट्रोडक्शन यूज़ करूँगा, सीनियर ने जो मेरा जम के इंट्रो लिया, मैं कभी सोचा नहीं था यार मेरे लाइफ में कभी कुछ ऐसा होगा, कोई मुझे इतना डांटेगा, कोई मुझे इतना रिग्रेट फील करवाएगा। मैंने पहली बार में नीट में सिलेक्ट होके कॉलेज में गया था, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था और मुझे लग रहा था यार कॉलेज में मुझे बहुत इज्जत मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सीनियर ने मुझे बहुत डांटा कि तुम कॉलेज में आके इंग्लिश बोलोगे, मुझे लग रहा था मैं क्या किया हूँ। और ये इंट्रो और ये रैगिंग इंडिया के हर एक मेडिकल कॉलेज में आज भी होता है, मैं सच बता रहा हूँ, आज भी होता है, शायद बहुत लोगों को नहीं पता है। मैंने उस रात में बहुत रो रहा था, मैं रिग्रेट फील कर रहा था कि यार मैं क्यों मेडिकल कॉलेज में आ गया हूँ, क्यों मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना है। मुझे रोते हुए ना एक सीनियर ने देख लिया और उसने मुझे समझाया, देखो बाबू यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में आए हो तो यहाँ का तुम्हें थोड़ा करिकुलम को फॉलो करना पड़ेगा, और हाँ ये इंट्रोडक्शन इसलिए होता है तुम्हें मेंटली थोड़ा प्रिपेयर किया जाए, मेंटली स्ट्रांग बनाया जाए, ताकि तुम सही समय पे सही डिसीजन ले सको, लोगों को सही जवाब दे सको, क्योंकि आगे मेडिकल कैरियर में तुम्हें बहुत लोग आएंगे, रुलाएंगे, मारपीट, बहुत कुछ होता है, हर सिचुएशन में तुम्हें कैसे लड़ना है, कैसे झेलना है, वो सारी चीज़ें रैगिंग सिखाता है, कॉन्फिडेंस सिखाता है। वो सीनियर ने मुझे इतना अच्छे तरीके समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर सीनियर ने एक और चीज़ बोला, मैंने पूछा कि बॉस आगे पढ़ाई लिखाई कैसे करना है कॉलेज में, तो उन्होंने मुझे गाइड करा कि देखो MBBS में क्लास के लेक्चर्स तो तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए यहाँ पे एक चीज़ होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे होते हैं जिसको तुम यूज़ कर सकते हो। उन्होंने ही मुझे बताया कि प्लेपलर एक प्लेटफॉर्म है जिसको तुम यूज़ करो, फर्स्ट ईयर में बढ़िया पढ़ा है, तो मैंने वहाँ से अपना फर्स्ट ईयर पूरा पढ़ना शुरू करा था, जहाँ पे हमारे राजेश कौशल सर ना एनाटॉमी में बहुत अच्छा पढ़ाए, उनका कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा मेरे लिए। तो मैं जनरली क्लासेस से आता था ना, तो क्लासेस मेरा 8 बजे होता था,
तो 2 बजे जब मैं क्लास से आता था तो हर क्लास के बाद मैं सर का वीडियो लेक्चर देखता था और वहाँ से मैं अपना नोट्स वगैरह बनाया, जो प्रेपरेटर ने जो नोट्स मुझे प्रोवाइड करा था वो नोट्स वगैरह को यूज़ करके मैं अपना कॉन्सेप्ट को वहाँ से सीख लिया करता था। आगे थोड़ा सा टाइम लेके मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने रैगिंग से सर्वाइव कैसे करा। देखो यार, रैगिंग एक ऐसा चीज़ होता है ना जो मज़ा तो बहुत देता है अगर आप एक बार, मतलब देखो मैं रैगिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लिटरली मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने कैसे सर्वाइव करा था मेडिकल कॉलेज में। यार जनरली जब भी सीनियर्स आते थे ना रात को बुलाने के लिए कि चलो सबके सब चलो इंट्रो है, सबके सब चलो इंट्रो है, हम लोग को ना एक इंट्रो मिला था जो हमें इंट्रोड्यूस करना था कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैंने 10th यहाँ से करा है, मैंने 12th यहाँ से करा है, मैंने नीट इतना ये ईयर में क्रैक करा है, मेरा ये ऐसा ऐसा, ये पूरा हमारा इंट्रोडक्शन होता था, वो हमें प्योर हिंदी में सुनाना होता था। ठीक है, तो जब भी रैगिंग के लिए हमें बुलाया जाता था यार, मैं आलमीरा में छुप जाता था। ठीक है, जो आलमीरा हमें कॉलेज में मिला था ना उसमें छुप के और अंदर से लॉक कर लेते थे। ठीक है, और बहुत बार तो यार मैंने गेट, जो हमारे रूम, जो हमारा रूम था ना, उस रूम का गेट को बाहर से बंद करवा के और रूम में छुप जाते थे। ठीक है, वैसे बहुत चीज़ें मैंने करा यार, मैं तो कई बार स्टेशन पर भाग जाता था। ठीक है, कि डर से छोड़ो हटाओ कौन इतना नौटंकी करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यार मैंने रैगिंग में सर्वाइव करा है। लेकिन एक चीज़ है कि रैगिंग एक ऐसा चीज़ है जो सच में मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करी। मैं बिल्कुल बोलता भी नहीं था यार, सच बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल बोलता भी नहीं था और मैं बोलना सीख गया, लोगों से बातचीत करना सीख गया, बहुत कुछ मैंने सीखा है रैगिंग से। ठीक है, रैगिंग नहीं, इंट्रो, कॉलेज में इंट्रो होता है, रैगिंग नहीं। तो ये था यार हमारा वो पार्ट। जब आती है बात एकेडमिक्स का, तो एकेडमिक्स मेरा बहुत अच्छा रहा। मैं, अगर आप MBBS स्टूडेंट हो तो मैं तुम्हें सच में रिकमेंड करूँगा कि स्टार्टिंग से पढ़ाई करो। MBBS एक ऐसा जर्नी है जहाँ पे आप एक दिन में ढेर मेहनत करके कुछ नहीं कर सकते हो, आपको हर रोज़ पढ़ाई करना है। हर रोज़ का एक टारगेट रखो कि 4 घंटा 5 घंटा हमें काम करना है, हर रोज़ करना है, एक कॉन्सिस्टेंसी के साथ करना। मैंने भी करा था और कोशिश करना। मैं एक चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी तुम प्रेपरेटर से लेक्चर देखो ना, या फिर क्लास से लेक्चर देख के आते हो, कोई भी टॉपिक तुम्हें पढ़ाया जाता है उसका लेक्चर एक बार प्रेपरेटर से देख लो। ठीक है, और देखने के बाद MCQ जरूर सॉल्व करो। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है और प्रेपरेटर पे आपको क्यूबैंक 5.0 मिलता है, जहाँ पे आपको क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, ये जो क्यूबैंक 5.0 है, यहाँ पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मिलता है कि आप इसको वन लाइनर या फिर क्लिनिकल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन बैंक जरूर सॉल्व करना, और उसमें क्या है कि हर एक ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन भी जरूर पढ़ना, जो कि आपको मिलता है यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे ना तो बहुत कुछ आप यहाँ से सीखोगे। ट्रेजरर होता है, ट्रेजरर को देखो, वीडियो, कुछ रिकमेंडेड वीडियो होता है उसको देखो, मतलब आप चाहोगे तो बहुत कुछ सीख सकते हो इन सब चीज़ों से, और ये चीज़ आपको फर्स्ट ईयर से ही करना है। ठीक है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये चीज़ तुम्हें यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर नीट PG के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा बहुत बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ रिलेशनशिप का, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट एक्साइटेड होते हैं इस चीज़ को जानने के लिए। देखो मेडिकल कॉलेज में ना कॉलेज लाइफ होता है, और कॉलेज लाइफ में लोग बोलते हैं कि रिलेशनशिप मैंडेटरी होता है, ऐसा कुछ। मैंने ऐसा कभी सीरियस नहीं लिया था, सच बता रहा हूँ, मैंने कभी सीरियस नहीं लिया। हाँ, क्रश वगैरह होते रहता है, ये सब चीज़ तो अप एंड डाउन रहता है, लेकिन मैंने कभी ये सब सोचा नहीं था। और मेरे दोस्त बहुत अच्छे अच्छे बने थे। ठीक है, मेरे मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने थे, और मैंने मेडिकल कॉलेज का ना फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर खूब इन्जॉय करा है। हर एक पार्टी मैंने इन्जॉय करा, हर एक फेस्ट मैंने इन्जॉय करा यार। मैंने डांस करना कॉलेज में आके सीखा, सच बता रहा हूँ, मैं कॉलेज में आके इतना डांस किया हूँ ना, सच बता रहा हूँ, हर एक फेस्ट में मैं डांस करता हूँ। ठीक है, और मेरे दोस्त मुझे डांस करते हुए देख के, मतलब वो लोग भी डांस करने लगते हैं। ठीक है, तो यार मैंने कॉलेज में बहुत इन्जॉय कराया, मैंने पढ़ाई भी कराया, पढ़ाई के साथ इन्जॉय भी कराया, सब कुछ कराया। ठीक है, बस एक चीज़ होता है कि जब फर्स्ट ईयर ख़त्म होने वाला होता है तो लास्ट में आता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के समय में बहुत पढ़ना होता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। अगर बुक्स का बात करते हैं, एनाटॉमी मैंने विश्राम सिंह पढ़ा था, फिजियोलॉजी मैंने सेम्बोलिंगम पढ़ा था और थोड़ा बहुत गाइडेंस से खरीद लिया था, बट पढ़ा नहीं था थोड़ा बहुत। और बायोकेमिस्ट्री मैंने वासुदेवन पढ़ा था, वैसे सत्यनारायणा भी मैंने खरीद लिया था। देखो यार, बुक्स खरीदते हो तो ध्यान रखना कि अपने सीनियर से एक बार कंसल्ट कर लो, वो सीनियर्स जो तुम्हें गाइड करेंगे वही खरीदना। फालतू के अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स के द्वारा बताया गया बुक्स मत खरीदना, क्योंकि वो बहुत सारे बुक्स बता देते हैं। ठीक है,
तो वो सब मत करना। हाँ, बात करते हैं एग्जामिनेशन का। तो जब फर्स्ट ईयर का, अगर जब आप MBBS फर्स्ट ईयर में हो ना, तो हमेशा कोशिश करना कि स्टार्टिंग से पढ़ाई करें, और जब एग्जामिनेशन आपका आता है तो एग्जामिनेशन के समय पढ़ाई थोड़ा ज़्यादा करें, हर एक चीज़ को कट ऑफ कर लेना, क्योंकि अब हमारा सिलेबस अलग है। 2019 से 100 नंबर का पेपर आने लगा है, इससे क्या है कि तुम्हें कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन लिखने होते हैं, ठीक है। तो यार तुम्हें यहाँ पे काम करना पड़ेगा, तो कोशिश करना है कि फर्स्ट डे से पढ़ाई करना, इंजॉय करना, जितना इंजॉय करना इंजॉय करना, हर एक सीनियर से पार्टी लेना, जितना लेना है लेना, ठीक है, इंट्रो भी देना, मज़े भी करना, सब कुछ करना। लाइफ यार कॉलेज लाइफ जीने के लिए होता है, नीट में हम लोग बहुत मेहनत करके आते हैं, और मेहनत करने के बाद जब मेडिकल कॉलेज में आते हैं ना, बस मेरा एक ही सपना होता है, खुल के जीना, क्योंकि कॉलेज लाइफ कभी दोबारा नहीं मिलेगा, सच सच बता रहा हूँ, कॉलेज लाइफ कभी दोबारा नहीं मिलेगा। तो कॉलेज लाइफ का एक एक दिन इंजॉय करना, ठीक है, एक एक दिन को मेमोरियल बनाने का कोशिश करना, अच्छे से दोस्त बनाना, हर चीज़ एक्सप्लोर करना, लेकिन साथ में पढ़ाई जरूर करना, क्योंकि वी आर डॉक्टर, है ना, वी आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर। हम लोग जो बुक्स पढ़ते हैं ना, वो बुक्स का हो सकता है कोई एक पेज कभी किसी आदमी का जान बचा रहा होगा, कभी किसी बच्चे का जान बचा रहा, कभी किसी फैमिली के एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर जो शायद बहुत बड़ी बीमारी सफ़र कर रहे होंगे, उसको वो जान बचा रहा होगा। तो मतलब पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है यार, पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। बाकी यार जो भी दिक्कतें होंगे, है ना, अपने सीनियर से ज़रूर डिस्कशन करना, सीनियर्स हमारे भैया की तरह होते हैं, सच बता रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई अच्छे सीनियर्स मिल जाएंगे ना, तो तुम कभी छोड़ नहीं पाओगे। मैं थोड़ा सा और बता रहा हूँ, मुझे एक PG सीनियर से दोस्ती हो गया था, हमारे सर्जरी के एक सीनियर से, जब वो लास्ट में जाने लगे थे ना, मैं रोने लगा था यार, कि यार लाइफ में ऐसा सीनियर कभी दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सीनियर जो होते हैं ना, इंट्रो लेते हैं, रैगिंग लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकिन अपना पेरेंट की तरह वो दूर के कॉलेज में हमें रखते हैं, ठीक है, बहुत मदद करते हैं, ठीक है। तो सच बता रहा हूँ, कॉलेज लाइफ बहुत बढ़िया लाइफ होता है, इन्जॉय करना। अगर तुम नीट एस्पेंट हो तो यार मेहनत करो, मेहनत कर लोगे ना, एक बार कॉलेज में आ जाओगे ना, तो एक चीज़ तो है कि लाइफ सेट नहीं होगी, लेकिन लाइफ सिक्योर जरूर हो जाएगी, ठीक है, सिक्योर हो जाएगी। मेहनत करो, ऑल द बेस्ट। आई थिंक थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा मेहनत करने के लिए, बाकी थोड़ा सा गाइडेंस भी मिला होगा फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहना।